हेलो फ्रेंड्स, आज कोई ब्लॉग कोई फनी या चैलेंज वीडियो नहीं है फ्रेंड। और टाइटल में जैसा कि लिखा है तो, और अभी मैं रात में वीडियो मतलब कि अब बनाने का तो मन नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन जहाँ तक सवाल है सारे अपडेट का, मैं अपना हर एक ब्लॉग अपना सुख दुख आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस ये छोटा सा भी जो है अभी दुख का घड़ी है, इसे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ज़्यादा बात को घुमा फिरा कर तो मैं नहीं बोलूँगी। टाइटल में जो लिखा है फ्रेंड, हमारी नानी थी, मेरी नानी मतलब, काफ़ी दिनों से वो बीमार थी। उसका एक फ़ोटो है, जब हम गए थे तो वहाँ वीडियो में नहीं बना पाई थी, और बस जो साथ में हमने फ़ोटो खिंचाया हुआ था वो मैं लगा दूँगी साइड में। तो ये जो नानी है, एक एक ही नानी बची हुई थी, ये अब इस दुनिया में नहीं रही, हम सबको छोड़ के जा चुकी है। क्योंकि ये दुनिया में तो आए हैं हम सभी, तो सभी को जाना है, ये बात है, किसी को यहाँ रहना नहीं है। और सबसे ज़्यादा खराब लग रहा है फ्रेंड कि अंतिम बार मैं अपने नानी को देख भी नहीं सकी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं जब अपना ब्लॉग डाली थी ना, अपना जो मंदिर हम गए थे, उसके बाद से तबीयत ऐसे भी कुछ दिन बाद ही मेरी तबीयत ठीक हुई थी। फिर हम गए तो वही गाड़ी में हवा लगा सा, तो मुझे ठंड लग गई और बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मतलब मैं इतना कंडीशन ख़राब हो गया कि मैं उठ भी नहीं सक रही थी, पूरा सर मेरा घूम रहा था बहुत ही। तो सारे गए, मम्मी पापा सारे लोग गए, और मैं आखिरी बार अपनी नानी को देख नहीं पाई। बस उसी का अफसोस है फ्रेंड। और वीडियो नहीं आने से भी आप लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, इंस्टा पे भी काफ़ी मैसेज आती है। तो बस यही छोटा सा वीडियो है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन वीडियो आए ना आए आप लोग प्लीज़ सुनीता के इस चैनल पे सपोर्ट बनाए रखिएगा। जैसे आप बाकी वीडियो को सपोर्ट करते थे, वैसे ब्लॉग को भी मेरे सपोर्ट कीजिए। कुछ रीज़न है इसलिए मैं वो सब वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन ब्लॉग को भी मेरे सपोर्ट कीजिए, जो है रियल लाइफ में अपना शेयर करती हूँ। और आप लोगों के साथ हर एक छोटी छोटी अपडेट मैं बताते रहती हूँ। तो फ्रेंड ज़्यादा ख़राब मुझे इसलिए लग रहा है कि लास्ट बार भी मैं अपनी नानी को देख नहीं सकी, इतनी मेरी कंडीशन ख़राब हो गई कि मैं जा नहीं सकती। अब मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी भी देखिए मैं कंबल वगैरह सारे कुछ ओढ़ के सोई हुई हूँ। और अचानक सुबह में करीब 11 बजे नानी चल बसी। अच्छा लगता अगर मैं अंतिम बार उन्हें देख पाती, लेकिन उतना भी मेरे किस्मत में नहीं था। अंतिम बार भी मैं उन्हें विदाई नहीं दे सकी। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे नानी चली जाएगी और मैं आखिरी बार भी उसे मैं देख नहीं पाऊंगी। बहुत बहुत खुद पे ही गुस्सा आ रहा है, पर कर भी क्या सकती हूँ। अब जो है नानी हम सबको छोड़ के चली गई है, इस दुनिया में नहीं है अब वो।